Let's go. So hey guys, welcome back to my new blog. और आज के ब्लॉग में हम लोग का स्वागत करते हैं guys. Then आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है. Then मैं इसकी वजह से ये कैप वगैरह मतलब इतना ज़्यादा दाम कम पहना हूँ और घर पर आज थोड़ा काम करवा रहा हूँ तो इस वजह से इतना शोर शराबा हो रहा है. तो इसको थोड़ा इग्नोर करिए. देन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर काम चला तो इतना सुना नहीं दे रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ से निकलना होगा. देन काम क्या हो रहा है मतलब मैं थोड़ा सा दरवाज़ा वगैरह चेंज करवा रहा हूँ तो जल्दी चेंज हो जाता है, देन आप लोग को मैं दिखाता हूँ. तो आइए निकलते हैं, फिलहाल कहीं और चलते हैं, किसी फ्रेंड को बुलाते हैं, देन उसके बाद निकला जाए. और सोच रहा हूँ आज भी रिंग रोड चला जाए या कहीं और देखते हैं, पहले निकलते हैं घर से, देन उसके बाद डिसाइड होता है कि कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं. तो आप लोग ब्लॉग बने रहिए, आइए चलते हैं. और गोरखपुर महोत्सव में आप लोग जरूर जाइए, आज भी है. तो हे गाइस, अभी फिलहाल आ गए गोरखपुर महोत्सव देखने के लिए. देन देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है पब्लिक का, और ये लाइट वगैरह का सेटअप देख सकते हैं, और प्लस पुलिस प्रशासन भी है काफ़ी तगड़ी सब जगह, ऊपर बैलून है. महोत्सव में आ गए और ये देख सकते हैं पूरा काफ़ी तरीके से मेला लगा है. और ये हम लोग शायद लास्ट दिन आ गए, ये 13 तारीख को हम लोग आ गए. ये देख सकते हैं भाई साहब लोग मास्क लगा के पता नहीं क्या दे रहे हैं, बट लेना है नहीं, फिलहाल चलते रहना है हम लोग को. पब्लिक की भीड़ देखिए गाइस, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज कौन आया सेलिब्रिटी. भगवान रामचंद्र जी के आगमन हो रहा बा और राम जी के ये भक्ति में पूरा दीप जलाओ रोशन कर दो, दीप जलाओ रोशन कर दो सारी ओढ़नवरिया. मतलब तुमसे लगा था कि ऐसे थोड़ा ना हो रहा है. सच बताऊं ये नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता, तो ये नजारा देखने को मिलता है कि एक तरफ बॉलीवुड का मंच सजा है और दूसरी तरफ दर्शक पूरे दिल से जय श्री राम का जयघोष कर रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए. Yeah.
अभी फिलहाल मौसम से निकल रहे हैं और अभी कनिका का पूरा ही है, काफ़ी पब्लिक है, देख सकते हैं इतना पब्लिक, मतलब पूरा मंच हिल गया है और पूरा ये फील्ड भी, ये देख सकते हैं, आवाज़ सुनिए और पब्लिक का आवाज़ सुनिए आपने, मतलब फुल इंजॉय। तो आइए अभी हम चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, करीब 12 बज गए हैं, अभी मुझको निकलना होगा घर के लिए।